दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, कहानियां शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑल पर करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, आज की कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। ये घटना हैदराबाद के मुरादनगर की है और मेरे उस दोस्त के दादाजी के साथ बीती थी। दोस्तों, उसके मुताबिक ये एक सच्ची घटना है, पर लोगों के असली नामों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनके नाम बदल दिए गए हैं। ये घटना मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुना रहा हूँ जैसे मेरे उस दोस्त को उसके दादाजी ने सुनाई थी। आगे की घटना मेरे दोस्त के दादाजी यानी सलीम के अपने शब्दों में। मेरा नाम सलीम है। एक रात मैं उस रात की आखिरी बस से घर लौट रहा था, पर मेरा दिल काफी भारी और उदास था। मेरा रोज 2 घंटे का सफर सुबह का और 2 घंटे का रात का हो ही जाता था, और पूरे 10 से 11 घंटे दुकान पर काम करते करते बीतते थे। पर आज उस दुकान से लौटने का ये मेरा आखिरी सफर था। आज सुबह तक हमारी सूखे मेवों की एक दुकान जो सुबह तक आबाद थी, जिस पर मैं मुलाजिम था यानी नौकरी करता था। दुकान का मालिक मुनव्वर भी ठीक ठाक आदमी ही था। दुकान पर कुल 6 या 7 नौकर थे, पर मुझसे यानी सलीम से कुछ ज्यादा ही प्यार था लाला का। बाजार में सब मुनव्वर को लाला ही कहा करते थे। मैं चुपचाप अपना काम किया करता था। मुझे कोई मतलब नहीं था कौन क्या करता है और क्या सोचता है। बस जो भी काम लाला ने दे दिया वो ही ठीक से हो जाए, इतनी ही फिक्र मुझे रहा करती थी। आज भी रोज की तरह मैं ही दुकान बढ़ाकर निकला था, पर शायद हमेशा के लिए। आज सलीम रोज से भी कुछ ज्यादा ही चुप था। वैसे वो ऊपर वाले को दिल से मानता था। शायद ही कोई वक्त बीतता हो जब वो उसे याद ना करता हो, पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी के भी एतबार की जड़ें हिला देता है। शायद यही देखने के लिए कि ये जड़ें कितनी मजबूत हैं। लाला की दुकान में हर मजहब के लोग नौकरी किया करते थे, पर एक नया लड़का वसीम आज ही दुकान पर लगा था। सलीम से दुआ सलाम के बाद अनजाने में ही खाना खाते हुए उसने पूछा, सलीम भाई, तुम जिन्नों में मानते हो? कभी तुमने किसी जिन्न को देखा है? अरे यार, खाना खाओ, ये क्या उल जलूल बात लेकर बैठ गए हो? सलीम ने उसे टालने के लिए चुप करवा दिया था, पर वो कुछ देर बाद फिर पूछ बैठा, बताइए ना भाई, क्या वो कोई भी शक्ल ले सकते हैं? किसी भी चीज में छुप सकते हैं? अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी लाला की दुकान पर एक ग्राहक आया जो दिखने में काफी लंबा चौड़ा था। एकदम गोरा और काजल भरी आंखों से पठान लग रहा था। उसने सर पर बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी, साथ ही बदन पर लंबा सा हल्के नीले रंग का कुर्ता और सलवार, और साथ ही पैरों में नोकीली जूती पहन रखी थी। उसके बदन पर लगे चंदन के अतर से पूरी दुकान महक रही थी। वो एकदम बिजली की तेजी से दुकान में दाखिल हुआ और लाला की आंखों में आंखें डालकर बोला, दाम के दाम, एक दाम बोलो, ठीक दाम बोलो तो सारा माल तोलो। इस पर लाला सकपका उठा, ये क्या बोल रहे हो मियाँ, ठीक से बात करो तो कुछ समझ आए। लाओ मियाँ, कोई इनके लिए कुर्सी लेकर आओ, आइए बैठिए जनाब, और ठीक से समझाइए कि आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए। मैं ये सारा माल ले लूंगा और जरूरत पड़ी तो तेरी दुकान भी ले लूंगा लाला। उसकी ये बात सुनकर लाला को काफी गुस्सा आ गया।
दफा हो जा यहां से कमीने, मेरे जीते जी इस दुकान को लेने की बात कर रहा है। ये मेरे पुरखों की निशानी है, ये तू तो क्या कोई भी नहीं खरीद सकता। इस पर वो आदमी बोला, सोच ले लाला, एक बार मैं यहां से चला गया तो फिर बस बदकिस्मती ही यहां रह जाएगी। अरे जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, चल निकल यहां से। इसके बाद एक अजीब सा वाकया पेश आया। उन सब नौकरों और लाला की आंखों के सामने ही वो दुकान के अंदर आया और सबके देखते ही देखते वहीं सबकी हैरान निगाहों के सामने से गायब हो गया। लाला और उसके नौकर बदहवास से देखते रहे कि आखिर ये हुआ क्या है। एक दो नौकर तो डर के मारे दुकान के बाहर भागे और भूत भूत करके शोर मचा दिया। दुकान की बदनामी ना हो जाए इस डर से लाला ने उन दोनों को डांट टपट कर वापस दुकान में बुला लिया, पर बात पूरी मार्केट में आग की तरह फैल गई थी। थोड़ी देर पहले जिन्नों के बारे में पूछने वाला वसीम सन्न सा दुकान के कोने में दुबक कर खड़ा था। चलो भाई सब काम पर लगो, लाला ने सबके साथ खुद को भी संभालते हुए सबको आवाज दी। जाओ वसीम, जाकर सबके लिए चाय बोल कर आओ। और वसीम इसके बाद सबके लिए चाय बोलने चला गया। पर अभी भी दुकान के बाकी सब मुलाजिम और लाला एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। सब का सर चकरा रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर बाद चाय आ गई, पर लाला की तबीयत खराब हो चुकी थी, रह रह कर उसे उल्टियां हो रही थी। साथ ही नौकरों ने देखा तो काजू की एक पूरी बोरी में कीड़ा लग गया था। उन्होंने वो बोरी दुकान से निकाली और बाहर ले जाकर साफ सफाई करने लगे। लाला दुकान में ही एक और आकर लेट गया था। इस वाकये को गुजरे कोई एक घंटा ही हुआ होगा कि थोड़ी देर बाद एक औरत बुरके में दुकान में दाखिल हुई और बोली, भाई क्या आप ही हैं मुनव्वर मियां? जी मैं ही हूं। लेटे लेटे ही उठकर बैठने की कोशिश करते हुए लाला ने उस औरत से कहा, वालेकुम सलाम भाईजान, कुछ मेवे दिखाइए। इस पर लाला के कहने पर उसके नौकरों ने उस औरत को सब मेवे थोड़े थोड़े दिखाए और चखवाए। अच्छे हैं, पर काजू कुछ सड़े हुए हैं। कैसा हो कि अगर तुम्हारे सारे मेवे सड़ जाएं? क्या बकती हो? लाला गुस्से से पागल होकर चिल्लाया। जी हाँ, सुनो लाला, मेरे शौहर शायद कुछ देर पहले इस दुकान पर तशरीफ लाए थे, वो कहाँ हैं? लाला का दिल धक से रह गया। वो समझ गया कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। दो पल तो वो चुप बैठा सोचता रहा कि क्या जवाब दे, कि तभी वो औरत बोली, आखिर इसमें बुराई क्या है? मैं तो कहती हूं अपने माल के साथ ये पूरी दुकान ही हमें बेच दें, चाहे तो वो सड़े काजुओं की बोरी भी, मैं और मेरे शौहर सब खरीद लेंगे। इस पर लाला को और गुस्सा आया, पर औरत जात समझ एक बार फिर उसने फिर से उस औरत को वहां से तशरीफ ले जाने को कहा। इस पर वो फिर बोली, पर बोलते हुए इस बार उसकी आवाज मर्दाना हो चुकी थी, तू मरेगा लाला और तेरी दुकान भी जाएगी, कुत्ता भी नहीं मूतेगा यहां पर। यह आखिरी मौका था लाला, पर तूने इसे भी गंवा दिया। अब न तू बचेगा और न ही तेरा ये माल और न ही तेरी ये दुकान। अब से यहां जिन्नों का कब्जा है, जा अपने सब नौकर लेकर दफा हो जा, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो भी अचानक वहीं बैठे बैठे
गायब हो गई। अब तो सलीम और वसीम के अलावा सारे नौकर भाग निकले और पूरे बाजार में शोर मच गया कि लाला की दुकान में जिन्नात खरीदार बनकर आए और दुकान के अंदर जाकर गायब हो गए हैं। और अगर वो वाकई जिन थे तो उनकी बात झूठी कैसे हो सकती थी। कुछ देर बाद लाला को खून की उल्टियां होने लगीं। इतना ही नहीं, एक एक कर सारे मेवों के बोरों में से कीड़ों की फौज निकलने लगी। लाला किसी भी सूरत में अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहता था, पर अब वो कर भी क्या सकता था। उसके माल के साथ साथ उसकी दुकान ही नहीं, उसकी जान पर भी बनाई थी। अगले आधे घंटे तक भी दुकान न खाली करने पर एक बार फिर उस दुकान में जनाना और मर्दाना दोनों आवाजें गूंजने लगी। चला जा लाला, अब हम यहीं रहेंगे। इसके बाद लाला की दुकान की मेवों से भरी बोरियां, जिनमें अब बुरी तरह कीड़े लग चुके थे, दुकान के बाहर जा गिरी। लाला खौफ से कान पकड़ रहा था। अपने माल को इस हालत में देखना उसके लिए दोहरी मार थी। अचानक लाला का हाथ तेजी से अपनी छाती मसलने लगा। उसे शायद दिल का दौरा पड़ा था। तभी वसीम भी जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगा। सलीम ने देखा तो वसीम की आंखों का रंग बदल चुका था। सलीम की जान सूख रही थी, फिर भी वो किसी तरह बड़ी मशक्कत से लाला को घसीट कर दुकान के बाहर लाया, पर सब बेकार। अब तक लाला की मौत हो चुकी थी। कुछ देर पहले बसी बसाई चहकती चलती दुकान बर्बाद हो चुकी थी। पुलिस बुलाई गई, जिसने इस बात को किसी हादसे के नाम से दर्ज किया और पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस सब में रात के 9 बज चुके थे। सलीम से दुकान पर ताला लगवाकर पुलिस ने लाला की पुश्तैनी दुकान को सील कर दिया था और भारी मन से रोज रात को बस अड्डे से मिलने वाली आखिरी बस में जाकर सलीम बैठ गया था। पर निकलते निकलते उसने साथ वाले दुकानदार को गली में किसी से बात करते सुन लिया था। निकल गया जान का काटा मियां, मान गए तुम्हारे काले जादू को, ये कभी भी मायूस नहीं करता। हो ना हो, जिन्न से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। इस पर सलीम ने मन ही मन सोचा कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, जो सब कुछ देखते हुए भी इतना नहीं जानते कि दुनिया में सबसे ताकतवर कोई है तो वो है ऊपर वाला। हर आदमी खुद को समझदार समझता है, ताकतवर समझता है, पर वो भूल जाता है कि किसी का भी बुरा करके कोई आदमी ज्यादा दिन आबाद नहीं रह सकता। सारा वाकया याद कर उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर साथ ही ये उम्मीद भी थी कि एक दिन ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं एक और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Thank you.